पहले आप ये वाली क्लिप देखिए। ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि अगर एक जगह पर वो आइडिया चल रहा है और उस जगह पर जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि यहाँ पर है, या तो पता लोग ही अलग कि वहाँ इंडियंस है और यहाँ पर फॉरेनर्स है, तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। वहाँ भी वही लोग हैं, यहाँ भी वही लोग हैं, बस एरिया का फर्क है। उस एरिया में बंदा अपने काम को चला रहा है और पैसा कमा रहा है और वो खुश है, उसके बाद ना तो इतना टाइम है, ना इतना दिमाग है, ना इतना पैसा है कि वो जाकर के जगह जगह करना जो आउटलेट है उसको ओपन करे, तो वो एक ही जगह पर बैठ करके अपना काम कर रहा है। तो अगर ओके, अब एपिसोड टू में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताऊं, लेकिन एपिसोड टू में जो एक वर्ड उन्होंने कहा है वो ये है कि कोई और चीज़ जो है एक जगह पे चल रही है, वही चीज़ अगर आप अपनी जगह पे करते हो, अपनी जगह पे वो नहीं है, तो उसके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्यों, और इसको हम मार्केटिंग टर्म में हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ फेसबुक एड्स के बारे में, और फेसबुक एड्स के बारे में ही मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ऑलरेडी एक चीज़ जो है वो एक जगह पे चल रही है, अब आपको क्या करना है, उसी चीज़ को अपने एरिया पे लाना है। सेम वही चीज़ आपको मार्केटिंग में भी करनी होती है। पहले आपको करना होता है रिसर्च। रिसर्च करने के लिए आप जा सकते हो एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी आप गूगल में सिंपल सर्च करोगे, आपको आ जाएगा वेबसाइट, उसमें जाइए, देखिए आपके जो सर्विस है, आपका जो बिजनेस है, उसके लिए कौन कौन ऐड रन कर रहा है, ठीक है, कौन कौन ऐड कर रन कर रहा है। फिर आप क्या करिए, एज इट इज उनके जैसे ही प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट लिख दीजिए, जो इमेज बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो इमेज आप कॉपी कर सकते हैं या फिर उनको देख सकते हैं, कॉपी इन द सेंस आप खुद से रीडिज़ाइन करवा सकते हैं वैसा ही, ठीक। अब जो बटन है वो लगा सकते हैं, हेडलाइन है वो लगा सकते हैं। अब ये आप क्या क्या करना है, आपको एड रन करना है, जैसे ऑलरेडी सक्सेसफुल एड रन हो रही है वैसे ही आपको एड रन करना है। आपके एड के सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। क्यों 90% बढ़ जाते हैं? क्योंकि अगर कोई यूज़र है जो ऑलरेडी 5 डे, 6 डे, 7 डे से वो एड रन कर रहा है, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो आ रहे होंगे उसको, ऑब्वियसली बात है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो कोई भी एड रन नहीं करेगा, ऐड को बंद कर दिया जाता है जब रिजल्ट नहीं आते तो। और रिजल्ट आ रहे हैं मतलब उसको वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैंपेन से रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एड रन चल रही है, मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वही चीज़ आपको भी करनी है, आपको किसी और के कैंपेन्स को देखना है, कॉपी करना है और उनको आपको एड रन कर देना है, ठीक है। एपिसोड टू में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर बताऊँ कि मार्केटिंग टर्म्स कैसे हो सकते हैं। हाँ, अब आगे जो आने वाला है एपिसोड 3 एंड 4, इसके लिए हम लोग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके लिए मैंने काफ़ी सारा प्रिपरेशन कर रखा है। नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। हाँ, याद रखिए मैंने बात करी है एड लाइब्रेरी के बारे में। फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करो गूगल में, आ जाएगा, ठीक है। और एड लाइब्रेरी से ही आप सारा कुछ स्पाई कर सकते हो बाकियों के एड्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी पूरी जो संदीप महेश्वरी की बिजनेस सीरीज है उसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं मार्केटिंग टर्म्स में, डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स में, तो इस पूरे सीरीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।